क्रीम एग बनाना सिखाऊंगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए, हमें चाहिए एग। देख लीजिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5 मैंने अंडे दिए। जितना आपका फैमिली मेंबर्स हो उतना ही एग आप लीजिएगा। और इसमें मैंने लिया है प्याज जितना जरूरी है मैं यूज कर रही हूँ, लहसुन, मिर्ची, बस ये है हमारा बेस इंग्रेडिएंट्स। अब मसाले हम बताने जाएंगे डालते डालते सारे तरह। और आपके पास ऐसे बड़े कढ़ाई होने चाहिए ताकि आपका ये डूब जाए, ये जो पतीला है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। अब हम चूल्हे को जला लेते हैं। ये हमारा चूल्हा जल गया, कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई में हम पानी डालेंगे। मैंने एक मग डाला है और एक मग में 2 मग आपको डालने चाहिए। और एक हमने पानी डाल दिया, मैंने ऑलमोस्ट आपको 2 मग आपको पानी डालना है। क्या करना है इसमें, मैं एग बॉईल करूंगी। मेरे पास बॉयलर है, आप लोग प्रेशर कुकर में भी कर सकते, 2 सीटी में आपका हो जाएगा। तो ये 3 मिनट में हो जाता है। तो मैं ये मेजरिंग कप से मैं डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये बेसन्स में। ये देखिए मैंने डाल दिया और आराम से आ जाएगा। अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे और इसको हम थोड़ा सा इस बॉयल वाटर में नमक डालेंगे ताकि ये बॉयल जल्दी हो जाए। तो हम इसे ढक के कर रहे हैं। मतलब जैसे कि आप जो प्री ओवन को हीट करते हो इस तरह से ये पानी को प्री बॉयल करके रखना है। देखिए मेरे 5 अंडे बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी में ठंडा होने देंगे। तरह से एक पतीला ले लीजिएगा, स्टील की होनी चाहिए। अगर आपके पास टिफिन है तो ठीक है, मेरे पास यही है। तो मैं इसमें अब बॉइलिंग ग्रीस कर दूंगी। इस तरह से हम ऑयल अच्छी तरह से लगाए ताकि ये चिपके ना, क्योंकि ये स्टीम वाले एग है तो इसमें चिपकना नहीं चाहिए। मैंने दी है वो डाल देंगे। सब हम डाल देंगे इक्वली, इसको ऐसे ऐसे इवेंचुअली हम मिला लेंगे। और ये जो है जो 3 मिर्चियां मैंने ली है इसको मैं बाद में डालूंगी। पॉपी सीड मैंने पीस के रखी है जिसे खसखस कहते हैं। मैं खसखस को मैं अब थोड़ा सा पानी मिला के मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है, मैंने अंडे भी छील कर डाल दिए। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च, इसके बाद थोड़ा चिकन मसाला टेस्ट के लिए थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। और इसको स्पून से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अंडे फट सकते हैं। तो इस तरह से, और हमारा जो चिल्ली है चिल्ली को हम साइड साइड में ले देंगे पूरा करके। तो
ऊपर से हम थोड़ा, क्योंकि ये हम ग्रेवी ग्रेवी रखेंगे तो थोड़ा सा पानी भी देंगे। अंडे थोड़ा भूज जाए इसमें, फिर से थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि पार्टी कम ज्यादा ना हो। पहले से ही प्री हीट करके मैंने पानी में डाला, पानी रखा है बॉइल करके, और इसमें मैंने पहले से नमक डाला है, तो हम इसको रख देंगे। वेरी केयरफुल आप रखिएगा और साथ में पानी ना घुसे इसके इसमें ढक्कन लगा दीजिएगा। ढक्कन लगा के ऊपर से हीट लगा दीजिए। जितना समय लगता है पानी होने में ये रेसिपी, उतना समय आपको लगेगा। और इस रेसिपी को अगर पसंद आए तो लाइक्स ज्यादा देना, लाइक्स करना और कमेंट्स करना, शेयर करना, और मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहना। नए वाले जो फ्रेंड्स है वो मेरे चैनल को नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना और मेरे साथ जुड़े रहना। ये जो अंडा जो हमने जो बनाया है जो स्टीम अंडा, ये जितना घंटा लगता है बनने में उतना रहेगा। हमारे तो सारे सामग्री इसमें डले हुए हैं, तो वो हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा इसको और इसको पकने दीजिएगा। पकने के बाद आपसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब गैस ऑफ करके देखते हैं हमारा ये हो गया कि नहीं। लगभग तो हो जाना चाहिए। उतारेंगे, उतारने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए मेरे करी बन चुका है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ गार्निशिंग करेंगे। दोस्तों मेरा ये गार्निशिंग हो चुका है, मिर्च से मैंने गार्निशिंग किया। तो आपको अगर ये पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल से जुड़े रहना। और नए दोस्त हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना ताकि मैं न्यू वीडियो जो दूँ आपके चैनल में, आपके फोन पे आ जाए।